हेलो फ्रेंड, शैलजा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिया आकार की गुजिया बनाने जा रहे हैं। इसको होली और दिवाली में कभी भी आप बना सकते हैं। इसको स्टोर करके हम रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 कटोरी हमने मैदा लिया है, 4 चम्मच में ऑयल डाल देंगे मोहन के लिए। मोहन हम अच्छे से लगाएंगे ताकि गुजिया क्रिस्पी बने। मोहन लगा के इस तरह हमें देखे ना, ताकि लड्डू जैसा बन जाए। हल्का गुनगुना पानी डालेंगे, ना ज़्यादा सख्त तो ना ज़्यादा ढीला आटा लगाएंगे हम। 20 मिनट रख देंगे सेट होने के लिए। ड्राई फ्रूट हम फ्राई कर लेंगे। हमने घी डाल दिया 1 स्पून, काजू डाल दिए हमने फ्राई करने के लिए, बादाम डाल देंगे। आपको जो पसंद ड्राई फ्रूट वो डालेंगे इसमें। किशमिश डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे इसमें। हल्का सा भून लेंगे इसको। ये हमारा भुन गया है। इधर हम मावा मसल लेंगे ताकि उसमें कोई गांठें न रह जाए। अच्छे से मावा मसल लिया हमने। जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किया वो इसमें डाल देंगे। फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट डालने से बहुत खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ऐसे बना जरूर देखेंगे। 3 से 4 चम्मच हम चीनी डाल देंगे पिसी हुई। अब मीठा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। छोटी इलायची डाल देंगे हम, कूट के डाल दिए हैं। अच्छे से मिला देंगे। इधर आटा हमारा सेट हो गया है। अच्छे से हम उसको मसल देंगे। हम एक बड़ी सी इसकी हम रोटी बना लेंगे। 2 रोटी हम बनाएंगे इसकी बड़ी सी। किसी दाल वाली चीज़ इसका गोल हम कट काट लेंगे। पूरी साइज की बन गई हैं। इसके 2 गोले हमने बनाए हैं। एक पूरी में हम कट लगाएंगे, ऊपर और नीचे हम कट नहीं लगाएंगे। कट लग गया है, साइड साइड में हम मैदे का घोल लगा देंगे। दूसरी रोटी इसमें चिपका देंगे। जो हमने स्टफिंग बनाई है इसमें हम भर देंगे। साइड साइड में मैदा का घोल लगा देंगे और अच्छे से इसको हम चिपका देंगे ताकि हमारा मावा बाहर ना आए। उंगलियों की सहायता से अच्छे से दबा दबा के चिपका देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए ऐसे चिपकाना है। ऐसे नहीं चिपकेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसमें हम मैदे का घोल लगाएंगे, तब ये अच्छे से चिपक जाएगा और दिए का आकार इसको हम देंगे। ऐसे घुमा के हम दोनों पॉइंट इसमें जोड़ देंगे। ये देखिए दिए आकार का हमारा गुजिया बन गई है। अच्छे से सब्जी का चिपका देंगे। इधर तेल हमारा गरम हो गया है, लो मीडियम में हम पकाएंगे। हम पलट पलट के पकाएंगे ताकि अंदर से वो कच्ची ना रह जाए। ऊपर से तेल डालते रहेंगे ताकि बीच में कहीं कच्ची ना हो। ये देखिए दी आकार गुजिया हमारी तैयार हो गई है। वे मैं तो तेरे उत्ते सेंटी होई बाली विरदी।